अब आइए इंडिया 360 में अन्य खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। डीटीसी क्लस्टर बस के ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय दिल का दौरा पड़ गया, बस बेकाबू हो गई। देखते ही देखते सड़क पर कोहराम मच गया। देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीड़ भरी सड़क पर बेकाबू डीटीसी का कहर देखिए। 18 सितंबर की दोपहर चांदनी चौक से फतेहपुरी मस्जिद की ओर जाने वाली रोड पर डीटीसी बस एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मारने लगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ वाहनों को डीटीसी बस टक्कर मारने लगी। दरअसल डीटीसी के बस ड्राइवर वाजिद को हार्ट अटैक आ गया और बस बेकाबू होने लगी। बस खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह से कार की टक्कर से एक रिक्शा पलट गया। तब भी पीछे से बस की टक्कर की वजह से कार उसे रौंदने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ियों के बीच फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, मगर बस नहीं रुकी, लिहाजा आठ गाड़ियां ब्रेक लगाने के बावजूद आगे की ओर घिसटती चली गईं। एक शख्स ने डीटीसी क्लस्टर बस की खिड़की पर लटक कर ड्राइवर को झकझोरा, लेकिन तब तक शायद उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं बस की टक्कर से दो लोगों की जान चली गई। दिल्ली सरकार ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है और अभी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। अभी सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर के अंडर में कमेटी फॉर्म की है जो 72 घंटे में जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और जो भी रिपोर्ट आती है उसमें जो भी जरूरी कदम होंगे सरकार उठाएगी। डीटीसी बस के हादसे ने एक साथ तीन घरों में मातम ला दिया है। हार्ट अटैक ने ड्राइवर की जान ले ली और इसकी वजह से बेकाबू बस ने दो लोगों की जिंदगी छीन ली। फरीद अली, दिल्ली आज तक।